ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इंदौर को क्यों चुना गया? Why इंदौर for GIS? इतने शहर हैं पूरे देश में, बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, पूना है, इंदौर क्यों? तो मेरा अपना मानना है, तो टॉप फाइव reasons why इंदौर इज सिलेक्टेड एज द नंबर वन डेस्टिनेशन टू होस्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर नंबर वन समिट. बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट. इंदौरी आदमी एकदम धंधेबाज, 100% धंधेबाज. कोई भी इंदौरी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उत्पाद पे, किसी भी उत्पादन में, किसी भी देश में कभी भी कुछ भी बेच सकता है, ये हमारी गारंटी है. अरे उसके हाथ में कोई उत्पादन और उत्पाद है भी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कारखाना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो लोगों को करोड़ों रुपये का माल बेच के आ जाता है. इंदौरी आदमी उठने के बाद और सोने से पहले डेली, एवरीडे, रोजाना कम से कम 20 बिजनेस आइडिया उसको सोचते हैं. वो सुबह से लेकर रात तक तो अरबपत्ती हो जाता है ख्यालों में. या पिज्जा ऑर्डर करने गया, उनका छोटे 10-12 साल के छोरे ने बोला कि पापा आज तो पिज्जा खाना है. बोले चल यार आज वोट करेंगे, पैसे 400-500 रुपये वोट करेंगे, वो पिज्जा आएगा. पिज्जा का तो कुछ भी नहीं, वो पिज्जा किस डब्बे में आया? बोले यार ये कारुगेटेड बॉक्स का बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा. मतलब अभी अपने यहाँ 50 जन ने गिनेगा उसी टाइम है कि 50 जन ने जिम रहा है, यहाँ पे 50 डब्बे 15 मिनट में खुट गए, तो दिन में तो हो जाएंगे 1500 × 300 45,000 डब्बे का एक दुकान में. फिर अपना भोपाल, सीहोर, खंडवा, नीमच, मनासा ने, छोटी सादड़ी ने, बड़ी सादड़ी ने, फिर वो अपन दूसरे स्टेट में भी जाएंगे. वो बोला यार अपने को 3 साल में तो 20 लाख डब्बे पहुंचाने का बिजनेस उसके मन में हो जाएगा. वहाँ पे वो मिर्ची पड़ी हुई है, नमक पड़ा हुआ है, चीज़ पड़ा हुआ है, उसके रेपर, वो उसका छोटा बच्चा चॉकलेट खाएगा तो चॉकलेट का कुछ नहीं, चॉकलेट का रेपर बोल लो. और उनको फला फला के वो कंवर साहब हैं, वो तो सब चिंदी बेच रहा है वहाँ पे उसकी, और एक्सपोर्ट हो रहा है, और पार्ले वाला कर रहा है, नेस्केफे वाला कर रहा, और वो महार अरबपति हो गया, अपन भी करेंगे. आप ब्याह में अगर कोई प्रोसेसन निकल रहा है, वो वहाँ पे बारात स्वागत में रुकी और उनने शिकंजी दी और उनने थोड़ा से पेटिस दिए, बोलो कागज पे ये दिए, प्लास्टिक पे ये दिए, और उसका दूर 300 जने हैं ये प्रोसेसन में, और वो प्लास्टिक का अपन तो क्या कचकड़े का, ये प्लास्टिक का कप, प्लेट, डोंगे, कांटा, छुरी, वो दांत साफ करने की उसका धंधा कर लेते हैं. तो ऐसा बिजनेस माइंडेड आदमी, उसका दिमाग रुकता ही नहीं है. मतलब वो खाएगा, खाने का टेस्ट ले उसके पहले तो उसके करोड़ों अरबों के उसके सपने दिखने लगते हैं. नंबर टू, एवरीवन इज स्किल्ड. नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं साहब स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट. तुम कहाँ 2, 4, 5, 10, 20 साल हो जाएंगे तुमको स्किल डेवलपमेंट करते करते. इंदौर में हर आदमी गुरु है, इंदौर में हर आदमी महाज्ञानी है. ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसके बारे में किसी को पंचायती करना नहीं आता. अरे बड़े बड़े पीएचडीओं को वो पछाड़ दे. आप कोई से भी चौराहे पे चले जाओ, होटले पे चले जाओ, मूंगफली के ठेले पे चले जाओ, भुट्टे के ठेले पे चले जाओ, छप्पन सराफे में कोई सी भी दुकान चले जाओ, एक से एक महारथी मिलेंगे. उनको सब जानकारी है. उनको ओबामा सुबह क्या खाता है, रात को क्या पहन के क्या सोता है, से नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में किसको क्यों दिया, किसको नहीं दिया, मोदी भैया कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, उनको सब ज्ञान है. आप तो इंडस्ट्री लाओ, अपने पास इन्वेस्टर भी है, बिजनेस माइंडसेट, और एक से एक पीएचडी है. नंबर थ्री, इंदौर इज लाइक फॉरेन. आप इंदौर में किसी से बात करो और भैया ऐसा बिल्कुल सुपर कॉरिडोर ऐसा बना है, बिल्कुल फॉरेन समान, फॉरेन समान, एवरीथिंग इज फॉरेन समान. तो नरेंद्र मांबा भी अमेरिका है, वो अमेरिका है, उसके पहले तो नट गए थे साहब. शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया कि भैया हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, आपको आना है. अरे उन्होंने बोला मैं कोई नहीं आऊँ. लेकिन मामा जैसे ही अमेरिका आए और अमेरिका में जब चकाचून देसी देखी, मामा तो बिल्कुल उनने क्या उसी टाइम उनने बोला कि भैया मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा.
तूने कहा कि अपन कहाँ से शुरू करें, कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना कैंपेन। तो फोन लगाया किलाज जी, उनको बोले अरे अपना इंदौर एकदम फॉरेन सामान। तो इतने जने उनको, फिर से चौहान जी बोले और सब जने बोले, शिव मामा सब बोले फॉरेन सामान, फॉरेन सामान। अरे नरेंद्र मामा ने क्या यार, ये 95% तो फॉरेन सामान है, 5% में अपना लगा दूंगा, मार्केटिंग कर दूंगा और ये फॉरेन सामान, तो ये फॉरेन सामान। मामा आए वाशिंगटन गए, न्यूयॉर्क गए, एक से एक माल देखी और ऐसे चकाचून दगा। मामा बोले अरे मेसीज ऐसा ने टाइम स्क्वायर पे, ये सोनी का शोरूम नहीं, ये शोरूम। तो उन्हें फिर कैलाश जी फोन लगाया, बोले यार यहाँ तो बहुत शानदार माल है। कैलाश जी बोले अरे क्या नरेंद्र मामा, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे वहाँ तो अमेरिका में एक ही तरह का माल है, यहाँ पे 4 तरीके के माल हैं, ट्रेजर आइलैंड, खरीदारी कर लो आप। फिर लोगों की तिजोरियों में, अरे एक एक 10-20-50 खोखे से कम का तो कोई आसामी है ही नहीं इंदौर में, सबके घरों में माल पड़ा हुआ है। तीसरा 56 और सराफे में सबके पास, सब सूत्रा रात को बिल्कुल ऐसे तोंदे हो रही हैं, बिल्कुल माल खा खा के। और फिर चौथा सेंट राइफल से लेके अपने गर्ल्स GDC गर्ल्स डिग्री कॉलेज से लेके प्रेस्टीज इंजीनियरिंग और प्रेस्टीज MBA और तमाम 100-150-200 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा रहे हैं, वहाँ की छोरियाँ सब एक से एक माल। तो कैलाश जी ने कहा चिंता ही मत करो आप, तो यहाँ पे बढ़िया ज़्यादा माल। और नंबर वन रीज़न व्हाई इंदौर वाज चोजन टू होस्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इज इट प्रेजेंट्स द नंबर वन वर्ल्ड्स नंबर वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एकदम रॉ अपॉर्चुनिटी, और वो है पोहा। उसी मामा का फोन गया मुकेश अंबानी को, सबसे पहले वो टॉप आदमी, बोला आपको आना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब पूरा मामला फेल हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टर समिट की बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। मुकेश अंबानी चढ़ी मैं बोले मैं इतना वर्ल्ड के इतना टॉप आदमी, इंडिया का नंबर वन बिलियनर में क्यों हूँ, तुम्हारे यहाँ क्या रखा क्या तुम्हारे मध्य प्रदेश में, नाम इन सुना मैंने आजकल। और उसी मामा बोले नहीं आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने सब झगड़े हो जाएंगे और फिर नरेंद्र मामा को भी मैं बोल दूंगा और फिर आपके सब लफड़े होंगे उससे। तो मुकेश अंबानी ने क्या कि चल देखूँगा, टाल दिया। लेकिन उन्हें क्या अब इतना जोर जबरदस्ती आ रहा है, इतना खींच के टेढ़े आ रहा है, तो उन्होंने बुलाया अपने सब टॉप कंसल्टेंट को, मैकिन्जी को बुलाया, बास्टन कंसल्टिंग ग्रुप को बुलाया, बूज एलन हैमिल्टन डिलॉइट सबको बुला लिया, A to Z। अब तो अंबानी आदमी है, वो आए सब दौड़ दौड़ बोल तुम देखो जरा मध्य प्रदेश इंदौर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या ये क्यों पीछे पड़ा हमारा। और उन्होंने एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट ला के रख दी। मुकेश अंबानी ने देखा उसका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने बोला ये पोहा क्या चीज़ है पोहा। और उनको खबर लगी, उनको बताया सब कंसल्टेंट ने कि तुम साल भर में जितना तेल नहीं बेचते हो ना रिलायंस पेट्रो से, उतने तो इंदौरी एक दिन में पोहा खा जाते हैं एक दिन में। और अंबानी उसके तो होश हवास उड़ गया, उसने उसी टाइम चार्टर करा बुक, बोले 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल मेरे को तो वहाँ पे पूछना है, मैं तो साष्टांग पारे। मैंने कहा वो बोले कि मेरे को तो देखना है कि क्या हो रहा है। तो वो शिव मामा को फोन पे फोन लगा जा रहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ। शिव मामा चढ़ी मैं, अरे मेरे को भाव दे रहा था तू, वी विल सी यू कम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कुछ चाहिए मेरे को तो बोलना, बाकी यू कम एंड वी विल टॉक। तो वो आया बिल्कुल दौड़ दौड़ को, इधर में तो हवा सब दूर फैल गई। अनिल अंबानी आया दौड़ दौड़, उसको तो सब खबर रहती जो मुकेश के यहाँ हो रहा था, अनिल को खबर रहती। तो वो आया दौड़ दौड़े, वीडियो कॉन वाले दूत साहब आए, वो रुइया ने वो टाटा वाला मिस्त्री आया, वो गोदरेज आया आदि गोदरेज, सब भागे भागा। और पोहा 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 व्हाट इज द पोहा 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 पोहा। शिव मामा ने कह दिया मोनोपोली नहीं होने दूंगा, मुकेश अंबानी को नहीं दूंगा, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, मुकेश तू सबसे बड़ा है, कच्चा पोहे का माल तू सप्लाई कर इंदौरियों को। वो दे दिया, गोदरेज को बोला तू सबसे बिल्कुल तनतनाट वाला, बिल्कुल एकदम झंटाक वाला काम तू जीरावन बना। गोदरेज को जीरावन दे दिया, टाटा को बोला तू सेव बना, बिल्कुल बेसन वेसन तू सब रॉ मटेरियल वटेरियल जो ला तू सेव बना। वीडियो कॉन बोले मैं क्या करूँ, बोले तू कतरे हुए प्याज ले ले, बिल्कुल लाल सफ़ेद तेरे को जो डालना हो पीले प्याज, कतरे हुए बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, टेस्ट में बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल उसमें थोड़ी चटक आनी चाहिए। और उसको
और वो कोई को कौन था रुइया और कोई को न्यारा का फर्क नहीं पड़ता, उसको बोला तू हरा कोथमीर बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सिस्टमेटिक कटा हुआ डंठल वंठल नहीं आना चाहिए तू वो बना। फिर वो अनिल अंबानी नहीं आया, अरे मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को वो हमेशा रहता है वो पिछवाड़े में रहता है उसका काम, कि बोले यार सब भैया को दे दिया तुमने, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास। वो एकदम यूँ घबराते हुए तुमने बोला तू शांत हो जा, शिव मामन ने बोला तू कग्गज कग्गज का काम कर, कग्गज की प्लेट और कग्गज पोहे तू सर्व काय में करो। और उन्होंने बोला यार तुम से मामा तुम तो बिल्कुल वो टांप के आदमी हो, बोलो क्या मतलब क्या, बोला करोड़ों प्लेटें उड़ जाती है रोज की तुझे यहाँ इंदौर में, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, प्रभात किरण, जागरण, चौथा संसार, पांचवा संसार, अग्निबाण, नीनी घर के इंदौरी आदमी इतने फोकटे हैं कि नीनी घर के 12, 15, 16, 18 अखबार छपते हैं दैनिक, सुबह शाम 2 बजे का अलग, 4 बजे का अलग, 6 बजे का अलग, मैगजीन अलग। तू सबकी कतरन ने कार ऐसे चौकोर चौकोर पन्ने चाहिए जिसपे एक भरपेट पोया आ जाए। बोले नहीं उत्तम में क्या हो रहा, बोले तू मानता नहीं है वो करोड़ों प्लेट ऐसे बनाएगा ऐसे हो जाएगा, चल तेरे को तू ज़्यादा हल्ला करेगा धागा पैकिंग का धागा भी, क्योंकि आधे लोग तो दुकान पे आके खाते हैं, यहाँ पे जेल रोड पे खड़े होते हैं, राणा के यहाँ खड़े हो जाते हैं, राजा वहाँ पे प्रशांत के यहाँ खड़े हो जाते हैं, तू लेकिन आधे पैकिंग कराने ले जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, और मतलब एक दुकान पे खाते हैं बोलते हैं मैं घर जाने के बाद खाऊंगा फिर भूख लगेगी, तो बोले तू धागे की पैकिंग और खाकर तो वो करा और निहाल होगा और इसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है।